हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने ज़िंदगी में मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में आपके चहेते टाइगर श्रॉफ की पूरा करियर की एनालिसिस करने वाले हैं और जानेंगे कि कौन सी मूवी कौन सी कितनी कमाई की है और कौन सी मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर पीटी गई है और कौन सी मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप बने रहिएगा। मैं उनके करियर की शुरू से लेकर अंत तक जितने भी फिल्में उन्होंने की है उन सभी फिल्मों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप अगर उनका बड़ा ज़बरदस्त फैन है तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम समय ना गंवाते हुए इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। नंबर वन पर जिस फिल्म का नाम आता है उस फिल्म का नाम है दोस्तों हीरोपंती। और इस फिल्म में जो टाइगर श्रॉफ के जो करेक्टर का नाम था वो था बबलू। और ये फिल्म 2014 में आई थी और इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से 5.2 स्टार का रेटिंग मिला हुआ है, जो कि अपने आप में अच्छा माना जाता है। लेकिन ये फिल्म जो है साउथ की रीमेक थी और ये फिल्म इस वजह से लोगों ने देख रखा था पहले ही, इस वजह से ये फिल्म जो है ज़्यादा कमाई नहीं कर पाई और ये फिल्म पहले ही बॉक्स ऑफिस पर पीट गई और ये फिल्म जो है बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया। उसके बाद इनकी करियर की दूसरा मूवी आई जो नंबर 2 पर आता है, उस फिल्म का नाम है बाघी। और ये दोस्तों इनकी करियर की ज़बरदस्त फिल्म थी, यही फिल्म इनको जो है आज हीरो बनाई है। तो इस फिल्म के जो कैरेक्टर का नाम था इनका वो था रोनी और ये फिल्म 2016 में आई थी और इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से 5.3 स्टार का रेटिंग मिला हुआ है, जो कि अपने आप में अच्छा माना जाता है। इस फिल्म के लीड रोल में आपको जो है टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर जी देखने को मिलेंगी। दोस्तों, ये फिल्म भी ज़बरदस्त है, एक्शन से भरपूर है। अगर आपको एक्शन मूवी पसंद आता है तो आप इस फिल्म को एक बार सर्च करके जरूर से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले एपिसोड की ओर बढ़ते हैं। इनका अगली फिल्म है ए फ्लाइंग जेट दोस्तों, जो नंबर 3 पर आता है। इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से अच्छा खासा जो है रेटिंग तो नहीं मिला, लेकिन जितना भी मिला है वो 3.1 मिला है। और जो टाइगर श्रॉफ का इस फिल्म में जो करेक्टर था उस करेक्टर का नाम था अमन डिलोन, जो कि उन्होंने इस फिल्म में बहुत ही अच्छा खासा जो है परफॉर्म किया है, लोगों को बहुत अच्छा लगता भी है। लेकिन ये फिल्म भी जो है उनका बुरी तरीके से बॉक्स ऑफिस पर पीट गई और ये फिल्म 2016 में आई थी। इस फिल्म में भी आपको बेहतरीन एक्शन देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं एक बेहतरीन तड़कता भड़कता जो है एक्शन फिल्म, तो आप इस फिल्म को एक बार जरूर से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जो है इनकी चौथी फिल्म की ओर चलते हैं। दोस्तों, इनकी करियर की चौथी फिल्म की अगर मैं बात करूं तो उस फिल्म का नाम है मुन्ना माइकल और ये 2017 में आई थी। लगातार बैक टू बैक ये जो है फिल्में दिए जा रहे थे क्योंकि इनके पिताजी का नाम है जैकी श्रॉफ, तो जाहिर है कि ये एक स्टारडम के बेटे हैं, यानी कि एक स्टार के बेटे हैं, तो ये जाहिर है फिल्म इनकी पिटे या चले वो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस इनकी फिल्में आनी चाहिए। तो दोस्तों, मुन्ना माइकल फिल्म आता है और मुन्ना माइकल जो है फिर से बॉक्स ऑफिस पर पिट जाता है और इनको क्रिटिक्स के तरफ से 3.4 स्टार का रेटिंग मिलता है और ये 2017 को आया था। और जो टाइगर श्रॉफ हैं, इनके जो करेक्टर का नाम है इस फिल्म में वो था मुन्ना माइकल। इस फिल्म के नाम पर ही, यानी उनका नाम पर ही ये फिल्म बनी है। दोस्तों, इनकी करियर की दूसरी जो फिल्म आती है इतने फ्लॉप देने के बाद, इनको भी पता चल चुका था और इनके पिताजी को भी पता चल चुका था कि अगर हम जो फिल्म चल जाती है उसका अगर मैं पार्ट 2 लाते हैं तो शायद चलने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए उन्होंने पिटने के बाद इन्होंने निर्णय लिया कि बागी 2 को लाते हैं, क्योंकि बागी 1 जो है बहुत अच्छा खासा बिजनेस किया था, बहुत अच्छा इनको जो है एक स्टारडम पर खड़ा कर किया था। तो इन्होंने सोचा ताकि उसी को फिर से एक रिक्रिएट किया जाए, ताकि हमें जो स्टारडम हमें मिला था वो प्यार हमें ऑडियंस की तरफ से मिले। तो दोस्तों, इन्होंने बागी 2 लाया और इसको क्रिटिक्स की तरफ से 4.8 का रेटिंग मिला हुआ, जो कि अपने आप में अच्छा माना जाता है। और ये फिल्म 2018 में आई थी। जो टाइगर श्रॉफ के इस फिल्म में जो करेक्टर का नाम था वो था रणवीर प्रताप सिंह, जो कि इस फिल्म में आपको भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा, अलग ही लेवल का इन्होंने इस फिल्म में परफॉर्म किया है एक्शन के रूप में। अगर आप एक्टिंग चाहेंगे इनसे तो एक्टिंग इनसे हो नहीं पाती है, ये कहना मुश्किल होगा कि ये एक्टिंग कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने जितनी भी फिल्म हमने आज तक इनकी देखी है उसमें एक्टिंग के अलावा सब कुछ आपको मिल जाता है, लेकिन एक्टिंग जो है देखने को कभी नहीं मिलते हैं। और इनसे हमें एक्टिंग की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बॉडी बिल्डर है भाई, इनकी तो बॉडी ही ना आपको दिखेगी, एक्टिंग थोड़ी दिखेगी। एक्टिंग के लिए थोड़ी ना प्रैक्टिस करते हैं, ये सिर्फ बॉडी के लिए प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए आप जानते हैं कि ये किस लेवल का एक्टर माना जाता है। तो दोस्तों, ये भी फिल्म बहुत अच्छी है, अगर आप एक्शन पसंद करते हैं तो आप इस फिल्म को एक बार जरूर से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले फिल्म की ओर चलते हैं इनका करियर की। दोस्तों, इनकी करियर की अगले फिल्म जो आता है उस फिल्म का नाम है स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2
और ये इस फिल्म को जो है क्रिटिक्स की तरफ से 2.2 स्टार का रेटिंग मिला हुआ, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है बल्कि बुरा ही माना जाता है। इस फिल्म में जो टाइगर श्रॉफ जो करेक्टर था उस करेक्टर का नाम है रोहन सचदेव, और ये फिल्म 2019 में आई थी और ये फिल्म जो है पूरी तरीके से पिट गई थी। और आप जानते हैं कि इस फिल्म में जो काम था वो भी उतना अच्छा से नहीं किया था इन्होंने, अच्छा खासा था। जो यंग एज के जो ग्रुप के जो लड़के हैं जो स्टूडेंट हैं उन्हें इनका काम बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन जो एक्चुअली जो सोच सकते हैं कैरेक्टर के बारे में उनको ये फिल्म जो है मज़ा नहीं आता है। तो ये फिल्म भी एक एक्शन से भरपूर फिल्म था, ये किसी स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म की सिक्वल था, तो ये फिल्म भी उनको लगा कि चल जाएगी, लेकिन ये फिल्म नहीं चल पाई बॉक्स ऑफिस पर, ये फिल्म भी पिट गई। तो चलिए दोस्तों, मैं फिर से इनकी अगली फिल्म के बारे में बात करता हूँ। जो अगली फिल्म आता है इनका, उस फिल्म का नाम है बार, और इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से अच्छा खासा रेटिंग मिला है, 6.5 स्टार का रेटिंग मिला है, जो कि अपने आप में अच्छा माना ही जाता है। और ये फिल्म 2019 में आई थी, और इस फिल्म में जो लीड रोल में जो टाइगर श्रॉफ थे उनका करेक्टर का नाम था कप्तान खालिद रहमानी, जो कि इन्होंने इस फिल्म में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। इन्होंने ऋतिक रोशन के साथ जो है एक अच्छी कम्बिनेशन बनाने के साथ साथ इन्होंने बहुत अच्छी एक्शन किया, जिसके वजह से लोगों ने इन्हें बहुत ही अच्छा प्यार दिया, बहुत ही अच्छा जो है इन्हें सपोर्ट किया, और फिर से ये स्टार जो फ्लॉप होते जा रहे थे बार बार उन्हें एक बार फिर से खड़ा किया, और इन्होंने इस फिल्म में कॉमबैक की तरह जो है किया, ठीक है। और ये फिल्म जो है सुपरहिट रही। तो चलिए दोस्तों, अब मैं चलता हूँ इनकी और एक फिल्म की ओर, जो इन्होंने 2020 में लाया, उस फिल्म का नाम है बागी 3, और बागी 2 बागी 1 का ही सक्सेस को देखते हुए इन्होंने फिर से सोचा क्यों ना बागी 3 को लाया जाए, ताकि ऑडियंस के बीच दबदबा होना जरूरी होता है, किसी भी एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है ताकि उसका जो फिल्म आए वो चल सके, इसलिए ठीक है। तो उन्होंने जो फेमस फिल्म था इनका उनको कॉपी करने के बारे में सोचा, क्योंकि जो फेमस फिल्म होता है उनका अगर आप कॉपी या फिर सिक्वल बनाने की कोशिश करते हैं तो चांस रहता है कि वो फिल्म भी चल जाए, ठीक है, उनके ऑडियंस के हिसाब से। तो इस फिल्म में इन्होंने काम किया, इस फिल्म में काम किया, तो इनको जो है इस फिल्म को जो है जो क्रिटिक्स की तरफ से 2.2 स्टार का रेटिंग मिला हुआ, जो कि अपने आप में बहुत ही बुरा माना जाता है। और इस फिल्म में जो टाइगर श्रॉफ के जो कैरेक्टर का नाम था वो था रणबीर रोनी चतुर्वेदी, यानी कि इनका निक नेम था, जो बुलावा नाम था वो था रोनी, और जो इनका असली नाम था वो रणबीर चतुर्वेदी, ठीक है। और ये फिल्म 2020 में आई थी, रणबीर चतुर्वेदी इनका कैरेक्टर का नाम था। टाइगर श्रॉफ इसमें बहुत ही एक्शन करते हुए दिखे हैं, क्योंकि इस सीरीज में उन्होंने धमाकेदार एक्शन ही किया है, तो आप इस फिल्म में भी उनको एक्टिंग करने मतलब जो है उम्मीद मत रखिएगा, ठीक है, एक्टिंग की उम्मीद मत रखिएगा तो ही अच्छा है। दोस्तों, ये फिल्म भी इनकी उतनी अच्छी नहीं चल पाई जो बागी टू की सक्सेस थी, ये फिल्म उस सक्सेस तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन कुछ हद तक इन्होंने सक्सेस किया और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप का टेक जो है लगने से बचा लिया, ठीक है। अब दोस्तों, इनकी करियर की जो अगली फिल्म है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इनकी जो अगली फिल्म है दोस्तों वो था हीरो पंक्ति 2, और ये फिल्म मुझे नहीं लगता कि ये फिल्म किसी को देखनी चाहिए, ये फिल्म ना देखें तो ही बेटर है, अगर आप देख लेते हैं तो आपका दिमाग जो है वो काम करना बंद कर देता है, ठीक है। इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से 2.4 स्टार का रेटिंग मिला हुआ है, और इस फिल्म में जो टाइगर श्रॉफ का जो करेक्टर का नाम था वो था बबलू, यानी कि आरजे का नाम था, लेकिन बबलू इन्हें बुलाया जाता था। और दोस्तों, ये फिल्म जो है 2022 को आई थी, और ये फिल्म ना ही देखें तो बेटर है, इनके बारे में और मैं कुछ बातें नहीं करना चाहता हूँ, इनकी डायरेक्ट मैं अगली फिल्म के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, इनका जो अगली फिल्म है वो था गणपत, और गणपत हाल ही फिलहाल में जो बीती हुई ईयर्स है उसमें आई थी 2023 में, और इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से 3.2 स्टार का रेटिंग मिला हुआ है। और इस फिल्म में अगर टाइगर श्रॉफ की करेक्टर के बारे में अगर मैं बात करूं, तो इस फिल्म में उनका नाम था गणपत, यानी कि गुड्डू। और इस फिल्म में आपको टाइगर श्रॉफ के अलावा जो है क्या कहते हैं उनको, अमिताभ बच्चन को भी आप इसमें देख पाएंगे, कौन हीरोइन है उतना मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन कोई तो है। अब दोस्तों, चलिए मैं बात करता हूँ, ये फिल्म भी उतनी अच्छी नहीं चल पाई बॉक्स ऑफिस पर, और ये फिल्म भी पीट गई, ठीक है। लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद था इस फिल्म से, लेकिन उम्मीद जो है लोगों का धरा रह गया, और बॉक्स ऑफिस पर ये खराब निकलते ही लोगों ने इसको जो हम कहते हैं ना कि सपोर्ट करना, उसको दूर कर दिया गया, ठीक है, सपोर्ट निकाल दिया गया, ठीक है। अब मैं इनकी करियर की जो अगला फिल्म आते हैं उनके बारे में बात करता हूं। तो इनका करियर की अगला जो फिल्म है दोस्तों वो अभी तक नहीं आई है, अक्षय कुमार के साथ एक फिल्म जो है अनाउंसमेंट किया गया, बहुत ही बड़ी
फिल्म है जिनको हम छोटे मियाँ बड़े मियाँ के नाम से जानते हैं। अभी जो YouTube पर उस फिल्म का दबदबा बहुत ही ज़्यादा से जोरों शोरों से चल रही है और हम जानते हैं कि उनकी प्रमोशन जो है किस लेवल की किया जा रहा है, तो शायद हम उम्मीद कर सकते हैं। अक्षय कुमार एक बहुत ही अच्छे एक्टर, इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं उस फिल्म के लिए बढ़िया ही निकले। मुझे भरोसा उतना ज़्यादा तो है नहीं टाइगर श्रॉफ जब हमने, क्योंकि हमने देखा ही है अक्षय कुमार किस तरह से काम करते हैं, अक्षय कुमार किस तरह से हाल फिलहाल किस तरह से काम कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि वो फिल्म भी अच्छे से चल पाएगी। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा कि जो है इनका जो अगला फिल्म है छोटे मियाँ बड़े मियाँ वो किस लेवल की जो है बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। आप हमें रिएक्शन, आपका प्रतिक्रिया जो है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इतना ही है इस इनका जो है करियर में, इतना ही फिल्म थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टाइगर श्रॉफ की ये सभी फिल्में बहुत ही, ये वीडियो जो है आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे अगले वीडियो में भी जुड़ेंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो इस चैनल पर लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके साथ अलविदा लेता हूँ और एक धमाकेदार के वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलने की कोशिश करता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।